हमारे बीच में वह विभूति आई है जिन्होंने पूरे जीवन के अंदर देश और प्रदेश की सेवा करते हुए कठिन परिश्रम से, सेवा से, त्याग से और समर्पण से इस राज्य और प्रदेश को वैभव पर पहुंचाने का काम किया है। उन सब महान कर्मयोगियों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सबका सम्मान करते हुए मुझे बहुत आनंदित होता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आपका जीवन समर्पण और सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा है। आपके सेवा समर्पित अद्वितीय ज्ञान से, आपके अनुभव से नई पीढ़ी को मार्गदर्शन मिले और वह नई पीढ़ी भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान दे और आपके उस जीवन को देखें जब आपने किस तरीके से कठिन परिश्रम कर इस भारत को इस 75 वर्ष की यात्रा में वैभव पहुंचाया। आपकी तप तपस्या परिश्रम को आज भारत के उपराष्ट्रपति जी अभिवादन करने आए हैं ताकि हम आपके अनुभवों का लाभ प्राप्त कर सके। हमें अगर सुदृढ़ मजबूत भारत बनाना, हमें सामाजिक रूप से मजबूत भारत बनाना, हमें आर्थिक रूप से मजबूत भारत बनाना, हमें विकास की दृष्टि से मजबूत भारत बनाना है तो आपके अनुभवों और ज्ञान का लाभ हमें लेना ही पड़ेगा। और दुनिया आज देख रही है कि 140 करोड़ का देश पारदर्शिता तरीके से चुनाव होते हैं और पारदर्शिता चुनाव के अंदर अगर कोई भूमिका है तो आप सब राज्य कर्मचारियों के कर्मचारियों की है जिन्होंने दूर दराज के गांव में हर मतदाता को निष्पक्ष और निर्वाचित चुनाव करने के लिए कड़ी मेहनत की है। इसके कारण भारत के चुनाव प्रबंध के कारण भारत का गौरव सम्मान पूरे विश्व में बनता है। सशक्त लोकतंत्र मजबूत बनाने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका।